श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता तुहाडा पंजाबी खबरां दे इस ताज़ा बुलेटिन दे विच। पंजाब दीआं ताज़ा खबरां तुहाडे नाल सांझीआं करांगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरां हन, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना, नाल नाल चैनल नूं भी सबसक्राइब करते रहना जी। पंजाब कांग्रेस दा अधिकारित ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने एक ट्वीट भी किया है, पार्टी च आगुआं दे विच दहशत दा माहौल बनिया होया है। ट्विटर अकाउंट हैक होण तों बाद सोमवार सवेरे किसी ने पंजाब का ट्विटर अकाउंट हैंडल हैक कर लिया। इस कारण कांग्रेसी आगुओं च दहशत का माहौल बनया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने तों बाद वापरी इस घटना ने पंजाब कांग्रेस के सूबा दफ्तर के विच हलचल मचा दिती है। पंजाब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल किसने अते किस मकसद नाल हैक किया है ते इह अजे तक पता नहीं चल सकिया। पंजाब कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से सियासी सरगर्मियों नाल संबंधित अपनी गतिविधियां ते बयान शेयर करती है। सवेरे अचानक उन्होंने सियासी बयानों तो इलावा कई होर ट्वीट हो गया। पार्टी का ट्विटर हैंडल हैक होने तो बाद खबर ने पंजाब कांग्रेस के सूबा दफ्तर के हलचल मचा दिती है। माहिरां ने तुरंत इस उत्ते काम किया। हैकरां ने पंजाब कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट तो प्रोफाइल तस्वीर हटा दिता तो एक ट्वीट पोस्ट किया। बीनज ऑफिशियल कलैक्शन के खुलण के जश्न के असं अगली 24 घंटे लिए कम्यूनिटी सारे सरगर्म NFT व्यापारियों एक ए ड्रॉप खोलिया। क्लेम यूअर बीनज इस तरह का जोड़ा ट्वीट किया गया। ट्विटर अकाउंट जोड़ा है कांग्रेस का हैंडल जोड़ा है हैक होने की खबर प्राप्त हुई है। करोना की चौथी लहर के संकेत, 24 घंटे दो स्कूलों के 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में करोना के खतरे ने लोगों दशकल बढ़ा दी हैं। करोना के मामले में एक बार फिर वाधा देखने मिल रहा है। स्कूल पूरी समर्था न खुल रहे हैं, इसका असर दिखाई देन लगा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 2 स्कूलों के 5 बच्चों के करोना के संक्रमण की गल कही गई है। 4-5 स्टेट्स है जिन्होंने सेंटर गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया। मुड़ तो करोना की लहर भारत के आँदी नज़र आ रही है। मैं गग्गी ग्रुप का गैंगस्टर बोल रहा, मैनू 20 लाख दे, नहीं तो तेरे पुत नू गोली मार देंगे। लुधियाने तो खबर है, महानगर के एक सिलाई कारोबारी नू फोन करके फिरौती मंगण का मामला सामने आया है, जिस विच कॉल करने वाले ने कारोबारी नू कहा कि मैं गग्गी ग्रुप का गैंगस्टर बोल रहा है, कल तक 20 लाख रुपए का इंतजाम करके देवे, नहीं तो तेरे बेटे नू गोली मार देवांगी। फोन सुनने तो बाद कारोबारी काफ़ी डर गया तो उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना दी, जिस तो बाद थाना डाबा की पुलिस और PCR दस्ता मौके उत्ते पहुँच गया। पुलिस ने जो मुड़ उस नंबर पर फोन किया तो उक्त नंबर बंद आ रहा। हाल की घड़ी पुलिस ने कारोबारी जस्सा सिंह की शिकायत से अणपछाते व्यक्ति खिलाफ केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हाले तक पुलिस जी अपनी जाँच के जुटी नज़र आ रही है। पाकिस्तान के नवे प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ नैशनल असैम्बली के ऐलान होया। शहबाज शरीफ बिना किसी विरोध के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए। इमरान खान की पार्टी ने चोणों का बाइकट किया। इस तो थोड़ी देर पहला ही पाकिस्तान नवा प्रधानमंत्री चुने जाने लिए संसद का सैशन शुरू होया। इमरान खान को सत्ता तो बेदखल करने तो बाद प्रधानमंत्री अहदे के दावेदार मने जा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रधान शहबाज शरीफ एक कट्टर यथार्थवादी हैं ते इन्ने सालों उन्हें एक स्पष्ट व्यक्ति होने का वकार हासिल किया। 3 बार के सबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 70 साल छोटे भरा शहबाज मुल्क के सब तो ज़्यादा आबादी वाले तो सियासी पक्षों अहम पंजाब सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगे थानू इन्हां दे मुख्यमंत्री दे बारे जो प्रधानमंत्री उत्थे बने होर भी जानकारी सांझी करांगे। वीडियो नू लाइक शेयर चैनल नू सबसक्राइब करते रहा करो। पंजाब दी कानून व्यवस्था ते ADGP दा ते DGP दा वड्डा बयान आया, गैंगस्टर नू लैके एक वड्डी गल आखी है। पंजाब विच कानून व्यवस्था ते लैके विरोधियों वल्लों लगातार चुके जा रहे सवालों दरमियान DGP VK भावरा ने आख्या कि पंजाब विच मौजूदा कतल दर पिछले सालों के मुकाबले कितने घट है। DGP ने कहा कि इस साल 158 कतल हुए हैं, 1 महीने 50 कतल हुए हैं। इन्होंने 6 मामलों गैंगस्टर की शमूलियत है। इस तो अलावा 2021 724 कतल हुए, जिसकी प्रति महीना दर 60 तो उपर सी। 2020 757 कतल हुए है, इसकी प्रति महीना एवरेज 65 सी। DGP भवरा ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कतल घट हुए हैं, जिसकी 1 महीने औसतन एवरेज 50 बनती है। इस तरह की उन्होंने जानकारी सांझी की। अगे नालों पंजाब दे विच क्राइम घटने की गल उन्होंने आखी है। पंजाबीओ सानू थोड़ा जिहा समां दिओ, असीं पंजाब नूं जल्दी मुड़ रंगला पंजाब बनावांगे, CM मान दा दावा है।
पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनदे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्शन मोड दे विच नज़र आए। सीएम मान वालों वड्डे वड्डे ऐलान किए गए। इसे विचाले धूरी पहुँचे सीएम भगवंत मान ने लोगों का धन्यवाद किया। लोगों ने जिहड़ा पेन साढ़े हाथ फड़ाया वह हमेशा लोड़वंदा के हक के चलेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों वालों प्रदर्शन किए जाने संबंधी पूछे जाने उन्होंने कहा कि अजे अफसर कुर्सियों पर बैठे हैं, सानू थोड़ा जिहा समा दिओ, सब का हल कर देवे, थोड़ा काम के समा जरूर लगेगा। चड़ूनी की सरकार को चेतावनी है, घट्टो घट 6 घंटे दिओ बिजली सप्लाई, नहीं तो संघर्ष करांगे। सीधी चेतावनी सरकार को दी गई है। किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बिजली कट्टां नूं लैके सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खेतों में किसानों घट्टो घट 6 घंटे तक की बिजली के वाटर सप्लाई दी जाए, जेकर अजिहा ना होया तो असीं संघर्ष करन मजबूर होवांगे। चड़ूनी ने कहा कि पंजाब ते हरियाणा दोवां सूबे में बिजली का बहुत ही बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 दिन पहला हैड ऑफिस में गल की सी, इस बार इस दे विच कोई भी सुधार लिए मैं चिट्ठी भी लिखी सी, थोड़ा ही जिहा बिजली की सप्लाई में सुधार होया है। 3 दिन 5 घंटे बिजली दी गई, 3 दिन 6 घंटे की बिजली सप्लाई हुई है। पिछले 2 दिनों तो बिजली का फिर तो बहुत ही बुरा हाल है। कई इलाकों में सिर्फ 1 घंटे की बिजली सप्लाई देखने मिल रही है। सरहद नेड़े दरख्त नाल बन्नी 5 करोड़ की हीरोइन बरामद की गई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान बैठे तस्कर लगातार पंजाब से नशा भेजने की कोशिशां कर रहे हैं, पर सरहद ते तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान लगातार उन्होंने कोशिशों नाकाम कर रहे हैं। इस विचाले अज भी अजिहा ही मामला वेखण नूं मिलिया। BSF ने शाम को 1 दरख्त नाल 5 करोड़ की रुपए की जिहड़ी हीरोइन जब्त की है। इस दे नाल ही 3 भारतीय किसानों हिरासत दे विच लिया। घटना फिरोजपुर सैक्टर की है। BSF के जवान कश्त ते सन, बाद जवानों नूं सरहद पार ते हीरोइन की तस्करी होने की जिहड़ी है सूचना मिली है, जिस तो बाद 5 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की है। बिना NOC दे नहीं होणगे रजिस्ट्रियां, लोग मुड़ होणगे खज्जल। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जारी किए हैं निर्देश। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों से तहसीलों में बिना NOC दे रजिस्ट्रियां उत्ते फिर तो रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को हाई कोर्ट के हुए आदेशों के बाद एक रोक लगी है। एक पटिशनर के वलों अदालत में मांग दर्ज की गई थी कि बिना NOC दे रजिस्ट्रियां होने नाल ताबड़तोड़ गैर कानूनी कलोनियां बन रही हैं, जिस दे नाल पंजाब सरकार नूं रेवन्यू का नुकसान हो रहा है। इस मांग के बाद अदालत वालों यह आदेश जारी किए गए हैं। बिना NOC तो हुण जिहड़ा है फिर तो रजिस्ट्रियां नहीं मिलणगियां। कांग्रेस हाईकमान सख्त हुई है। सुनील जाखड़ नूं नोटिस जारी किया, हफ्ते के अंदर जवाब मंगिया। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब इकाई के सबका प्रधान सुनील जाखड़ नूं नोटिस जारी किया। हाईकमान ने 1 हफ्ते का समा दिंदिया जवाब तलब किया। हाल ही पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी ने सुनील जाखड़ खिलाफ चिट्ठी लिख के शिकायत की सी। इस मगरों अनुशासनी कमेटी ने यह फैसला लिया है। अज अनुशासनी कमेटी की अहम मीटिंग कांग्रेस वार रूम के हुई। मीटिंग में AK एंटनी इस तो अलावा तारिक अनवर, JP अग्रवाल के होर मैंबर भी हाजिर सन। मीटिंग में पंजाब के सबका प्रधान सुनील जाखड़ के सबका केंद्रीय मंत्री KV थॉमस बारे विचार वटांदरा किया गया सी। तलब जिहड़ा है मंगिया है, देखा जाएगा कि अगे की बयानबाजी आउंदी है। पंजाब कैबिनेट मीटिंग 13 अप्रैल नूं है ते वड्डा ऐलान हो सकदा है। पंजाबीयां दी नज़र है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13 अप्रैल नूं मंत्री मंडल की मीटिंग सद्दी है। मीटिंग सवेरे 11 बजे पंजाब सिविल सकत्तरेत एक चंडीगढ़ विखे होगी। मीटिंग संबंधी एजेंडा फिलहाल जारी नहीं किया गया, पर इस दौरान कई वड्डे ऐलान हो सकते हैं। हो सकता है कि बिजली संबंधी कोई वड्डा ऐलान किया जाए। पंजाब तो पहला अपने शहर नूं संभालण भारत भूषण आशू लई वड्डी चुनौती। विधानसभा चोणां च मिली करारी हार तो बाद कांग्रेस हाईकमान ने सूबे च नवे प्रधान के नाल नाल कई नवे अहुदेदार भी नियुक्त किए। इस लड़ी तहत लुधियाना तो सीनियर आगू के सबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं सूबा कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया है। हुण आशू सूबा कांग्रेस नूं संभालण ते मुड़ सुरजीत करन लई सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नाल तालमेल करके काम करनगे। हालांकि इस तो पहला उन्होंने अपने शहर लुधियाना च धड़ेबंदी वाली कांग्रेस नूं इक मंच ते लियाउण लई पसीना वहाउण दी लोड़ पवेगी। शहबाज़ शरीफ का पंजाब दे नाल की कनैक्शन है? पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनन ते उन्हां दे जद्दी पिंड च जशन का माहौल बनिया होया है। शहबाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनन के क्यास तो बाद उन्होंने पिंडों के जशन का माहौल है। पिंड वालों वालों गुरद्वारा साहब में अरदास की गई।
अमृतसर के जंडियाला कोल पैंदे पिंड जाती उमरा विच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री वैबसाइट उत्ते नवाज शरीफ के भरा ते लहिंदे पाकिस्तान पंजाब के रह चुके मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ते हुण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनन दे बने हैं उसनू लैके ई टी वी भारत की टीम पुजी। शरीफ के जद्दी पिंड अमृतसर के जंडियाला पिंड जाती उमरा दे पिंड के लोगों ने गलबात करते हुए टीम को दसया कि शहबाज शरीफ का पुश्तैनी घर से जिस दे उत्ते गुरद्वारा साहब बनाया गया। अज पिंड वालों वालों गुरद्वारा साहब में अरदास की गई। शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाने दोवां देशों के संबंध में बहुत वधिया होणगे। वह जिहड़ा उत्थे पिंड के सबका सरपंच दिलबाग सिंह ने गलबात करते हुए कहा कि 2013 में शहबाज शरीफ अपने जद्दी पिंड जाती उमरा आए थे। उन्होंने कहा कि इत्थे उन्होंने दादे का घर हुंदा सी ते शहबाज शरीफ के दादा की कबर भी इत्थे बनी हुई है जिस उत्ते चादर चढ़ाउण लई आए सी। इस करके अज पिंड वालों के बहुत ही खुशी फैली हुई है। सो ये सन अज दी मुख खबरां। उम्मीद है कि तुसीं वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल। धन्यवाद।